साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। कोविड-19 की इस महामारी में, सेकेंड वेव में, हमने कभी काफ़ी इसकी भयावहता देखी। साथियों, जितनी ये भयावह है बीमारी, महामारी, उतनी ही सरलता से हम इसको रोक सकते हैं। ये हमने सरकार के निर्देशों, वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार जो हम लोगों ने जाना है कि सिंपल ट्रेन स्टेप थे, हैं और रहेंगे कि हम PMS का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का, तो हम अपने को इस महामारी में बचा सकते हैं। बहुत उन्होंने इसी तरह से बचाया ही है। पहला, आज अनलॉक के इस माहौल में शायद हमें मजबूरन फिजिकल डिस्टेंसिंग हम कहीं ना कहीं तोड़ देते हों, लेकिन अगर हम मास्क और सैनिटाइजेशन ही पालन करते हैं तो काफ़ी कुछ हद तक हम अपने काम को जारी रखते हुए कोरोना की महामारी से बच सकते हैं। ये इस महामारी में वायरस के जो म्यूटेशंस हुए वो ज़्यादा लीथल हुए, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल थे, ज़्यादा डैमेज किए, और इस म्यूटेशन के दौरान भी कहते हैं कि हमारे यही तीनों आधार थे जिन्होंने मैक्सिमम को बचाया। चौथा हथियार हमारे सामने 16 जनवरी 2021 से आया है, उसका नाम है वैक्सीनेशन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के ड्राइव में शामिल कर पाते हैं, कंप्लीट वैक्सीनेशन मतलब कि दो वैक्सीन शेड्यूल्स का है तो हम उसको दो वैक्सीन लगवा पाते हैं, तो हम उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रभावी सुरक्षा तंत्र दे पाते हैं। मास्क तो उसको वैक्सीनेशन के बाद भी लगाना है, जब तक हम इस पेंडेमिक पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। म्यूटेशंस ज़्यादा लीथल नहीं हो पाते, म्यूटेशंस ही कहते हैं कि कॉमन कोल्ड वायरस की तरह काफ़ी मतलब कि अप्रभावी से हो जाते हैं, तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब तक साइंस कम्युनिटी हमको, साइंटिस्ट जो कम्युनिटी है, भारत सरकार है, ये हमको अश्योर नहीं करती कि भाई अब पेंडेमिक गायब हो गया, तब तक हमको सुरक्षा तंत्र वैक्सीनेशन के बाद भी PMS का जारी रखना है। एक खुशखबरी के साथ आया हूँ। बेसिकली खुशखबरी ये है कि दूसरी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन हमारे भारत में अप्रूवल के लिए DCGI के सामने पेश हो चुकी है। साथियों, याद होगा ही आपको कि पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, कोवैक्सीन ऑफ भारत बायोटेक हैदराबाद। दूसरी कौन सी आने वाली है पूर्ण स्वदेशी, वो है ZyCoV-D। ये ZyCoV-D जाइडस कैडिला अहमदाबाद द्वारा ICMR और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाई गई है। पूर्ण स्वदेशी है और इसके कई खास बातें हैं। पहली तो ये कि सेकंड पूर्ण स्वदेशी है, दूसरी अप्रूवल के बाद विश्व की पहली प्लाज्मिड DNA बेस्ड वैक्सीन होगी। अभी तक आप जानते हैं कि जो भारत में 4 अप्रूव्ड हैं, ये पांचवी हो सकती है। पहला, ज़्यादातर वैक्सीन्स के बारे में आपने जाना है कि जो भारत में ही अप्रूव्ड हैं, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 है जो रशिया की गमिलिया ने बनाई है, कोविशील्ड जिसको एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, ये दोनों वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है, वो पूर्णतः स्वदेशी है, पहली वैक्सीन। चौथी mRNA बेस्ड वैक्सीन है जिसकी मॉडर्ना ने बनाई है, US बेस्ड कंपनी है और इसको भारत ने अभी भी अप्रूवल दिया है। पांचवी, ये जो वैक्सीन अप्रूवल के लिए गई है, अप्रूवल के बाद विश्व की पहली प्लाज्मिड DNA बेस्ड वैक्सीन होगी। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बड़ी बात है, पहली तो हमने जाना कि पूर्ण स्वदेशी, दूसरी जाना DNA बेस्ड वैक्सीन, प्लाज्मिड DNA बेस्ड वैक्सीन, तीसरी सबसे बड़ी बात है ये निडल फ्री वैक्सीन होगी। वैक्सीन लगाने के लिए निडल का उपयोग ही नहीं होगा।
इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग है जिसको कहते हैं हम लोग फार्माजेट का उपयोग, अर्थात निडल फ्री एप्लीकेटर का उपयोग। इसमें होता क्या है कि जो कहते हैं कि दवा की स्प्रिंग बेस्ड एक जेट डिवाइस होती है जिससे हम दवा का एक नैरो स्ट्रीम स्किन पर डालते हैं और ये जो फ्लूड का कहते कि नैरो स्ट्रीम डालते हैं ये स्किन में पेनिट्रेट कर जाती है और इस तरह से ये निडल फ्री होती है और ये तीसरी बड़ी इसकी बात है। चौथी बड़ी बात है कि ये पहला बड़ा ट्रायल है हिंदुस्तान में किया गया जो 28,000 वॉलंटियर में किया गया, 50 जगहों पर किया गया, पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में 50 जगहों पर किया गया। और ख़ास बात है इसका सेकंड ट्रायल सेकंड वेव की अप्रैल मई की महामारी जो रही है उस दौरान पूरा किया गया। जो पांचवी बड़ी बात है कि ये पहली वैक्सीन होगी जो 3 डोज की है, 28 दिन के अंतर पर फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड डोज लगेंगी। और आखिरी बड़ी बात ये है कि जिस दौरान पीक थी सेकंड वेव की 66% तब भी प्रोडक्शन उसने दिया है जब समय वायरस काफ़ी अच्छा म्यूटेट कर रहा था, इवन डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स वहाँ पर मौजूद थे, उस दौरान भी इसने कहते हैं कि 2 डोजेज वैक्सीन के बाद कोई सीवियर केस होना और डेथ से बचाया है और 3 के बाद उसने मॉडरेट केस से भी बचाया है 3 वैक्सीन डोज के बाद। 66.6 अर्थात कहते हैं कि 67% के आसपास उसने सिम्टोमेटिक RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट में अपनी इफिकेसी प्रूव की है। तो ये सेफ रही, इफेक्टिव रही। देखने में तो डाटा इसका छोटा लगता है 67%, लेकिन महामारी के म्यूटेशन के दौरान रहा है तो ये ज़्यादा प्रभावी मानी जा रही है। और इस तरह से ये पहली वैक्सीन होगी जिसको ट्रायल के दौरान ही जान लिया गया कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तक ये इफ़ेक्टिव है। और इस वैक्सीन में जो ये वैक्सीन है इसके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉन रिप्लिकेटिंग वर्जन ऑफ ए टाइप ऑफ DNA मॉलिक्यूल का उपयोग किया गया है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो है इनकोडेड होता है एक जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बनाने वाले कोड से, जो SARS-CoV-2 की स्पाइक प्रोटीन है इससे बनाता है। जब इस वैक्सीन के अंदर जाती है तो रिसिपिएंट की जो सेल्स होती हैं उनके जो कहते हैं कि कोड्स होते हैं उनको कोड करती है कि आप जो है स्पाइक प्रोटीन्स बनाएं। जब स्पाइक प्रोटीन बन जाती है तो उसके अगेंस्ट इम्यून जो सिस्टम होता है रिसिपिएंट का, लाभार्थी का, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है। साथियों, ये वरदान साबित होगी हमारे देश के निवासियों के लिए जब ये अप्रूवल के बाद हमारे सर्विस में आएगी। अप्रूवल मिल भी जाएगा, थर्ड फेज ट्रायल शुरू हो चुका है और प्रिलिमिनरी डाटा थर्ड फेज ट्रायल का बड़ा अच्छा रहा है और सेकंड फेज का डाटा मैंने आपको बताया ही। और इन सारी खूबियों से भरी हुई वैक्सीन का अप्रूवल इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए CDSCO अर्थात सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप कहते हैं कि नेशनल ड्रग कहते हैं रेगुलेटर कह सकते हैं, DCGI कह सकते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उनके सामने ये पेश हो चुका है। इसके अंदर जो कहा जाता था कि DNA वैक्सीन में कहते हैं कि एक डर था लोगों में कि कहीं ये ऑटो इम्यून डिजीज को एक्टिवेट न मतलब कि इंड्यूस न कर दे या अगर पहले से चल रही है उसको वर्सन न कर दे, ऐसा कोई डाटा नहीं मिला है, ये खास बात है। और वायरल वेक्टर वैक्सीन्स में एक डर था कि अगर गलती से एक्टिव वायरस मतलब कि हार्मफुल वायरस चला गया, वैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन भी सेफ है और उसमें उन्हीं वायरस का उपयोग किया गया जो ह्यूमन में जैसे चिंपैंजी वायरस इन कहते हैं कि कोविशील्ड में
वो भी ह्यूमन में कोई बीमारी नहीं करता। एक है कि हाँ भाई कहीं वायरस वेक्टर में कोई गलत वायरस चला जाए, लेकिन इस मतलब एक लीस्ट रिएक्शन हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये पूर्णतः नॉन इन्फेक्शस है क्योंकि ये री इंजीनियर्ड है। इस तरह से कहते हैं कि ये पूर्णतः सुरक्षित भी पाई गई है। और ख़ास बात ये है कि इसको अपग्रेडेशन इस वैक्सीन का इजिली संभव है। साथियों, इस पुनः बधाई के साथ कि हमारी दूसरी स्वदेशी वैक्सीन भारत में आने वाली है और इसमें इतनी बड़ी बड़ी 5-6 खूबियां हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों में ट्रायल किया गया, फर्स्ट DNA वैक्सीन है, नीडल फ्री वैक्सीन है, पूर्णतः स्वदेशी है और कहते हैं कि पहली DNA वैक्सीन वर्ल्ड की होगी। इस आशा है कि आप लोगों को ये जो नई जानकारी है अच्छी लगी होगी और आप हमारे चैनल से अपना प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।